नमस्कार, सेटीएम न्यूज में आपका स्वागत है। नजर डालेंगे दिन भर की बड़ी गतिविधियों पर। शिक्षक दिवस पर रविवार को जम्मू कश्मीर के रियासी के शिक्षक संजीव शर्मा को राष्ट्रीय और 10 अन्य शिक्षकों को राजकीय शिक्षक सम्मान के साथ सम्मानित किया गया। प्रदेश स्तरीय कार्यक्रम में उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने इन 10 शिक्षकों को श्रीनगर में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान सम्मानित किया। इनमें 5 शिक्षक जम्मू और 5 कश्मीर संभाग से हैं। इस बीच कश्मीर से 10 और जम्मू संभाग के 24 राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता शिक्षकों के साथ नई शिक्षा नीति पर चर्चा भी की जाएगी। कट्टरपंथी अलगाववादी नेता सईद अली शाह गिलानी की मौत के बाद उनके शव को पाकिस्तानी झंडे में लपेटने और राष्ट्र विरोधी नारे लगाने के आरोप में बड़गाम पुलिस ने अज्ञात लोगों के खिलाफ गैर कानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। ऑल इंडिया पोर्टर यूनियन ने अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन किया। ये लोग इन्हें प्रॉमिस की गई सरकारी नौकरी देने की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे थे। तो लगातार 22 वर्षों से संघर्ष कर रहे हैं कि हमें इंसाफ मिलना चाहिए। हालांकि इनमें से कुछ एक टीम जो है वो कोर्ट में गई, कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया और कोर्ट ने डायरेक्शन दे दी सरकार को कि इनको एडजस्ट किया जाए। और उनमें से बहुत से नौजवान हैं जिनको कोर्ट के कहने से अपॉइंट किया गया है, उनको एडजस्ट किया गया है, गवर्नमेंट जॉब दिया गया है। अगर उनको मिल सकता है तो इनको वो सेम एक ही दिन जाने वाले लोग हैं, एक ही काम करने वाले लोग हैं, एक ही तरह की समस्या के सामने खड़े होने वाले लोग हैं, उस मुश्किलात की घड़ी में खड़े होने वाले लोग हैं, तो क्या बात है इनकी तरफ आज तक तवज्जो क्यों नहीं दी गई। जम्मू प्रदेश पीपल्स मूवमेंट ने महाराजा हरि सिंह जी की जन्म दिवस पर छुट्टी की घोषणा को लेकर आज प्रदर्शन किया। इस मौके पर इन्होंने ये भी कहा कि इस दिन को कल्चरल समारोहों से सुशोभित किया जाना चाहिए। हमारा आज का जो विषय है केवल और केवल एक ही है कि हम 23 सितंबर जो महाराजा हरि सिंह जी का जन्मदिवस होता है, हम उसको जो है एक राजकीय अवकाश के रूप में मांगते हैं एडमिनिस्ट्रेशन से। और अगर ऐसा करना उनके लिए संभव नहीं हो पा रहा तो कम से कम इसको एक कल्चरल डे के रूप में मनाएं। रिटायर्ड सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स वॉरियर वेलफेयर एसोसिएशन ने अपनी मांगों को लेकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इन्होंने कहा कि जल्द से जल्द वन रैंक वन पेंशन स्कीम को लागू किया जाए। हमारे मुद्दे हैं जैसे हमारे वन रैंक वन पे जो है ये अभी तक गवर्नमेंट ने हमें नहीं दिया है। उसके बाद जो है एक्स सर्विस मैन का मुद्दा जो है वो हमारा अभी लटका हुआ है, कई स्टेटों ने दिया है और हमारे खासकर J&K स्टेट में जो है ये लागू नहीं हुआ है। नॉन गेजेटेड पुलिस पेंशनर्स वेलफेयर फोरम ने अपनी मांगों को लेकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया। इस मौके पर इन्होंने सरकार से अपील की कि इनकी तनख्वाह संबंधित विसंगतियों को जल्द से जल्द दूर किया जाए। हाँ सर, हमारा पे एनोमली का मसला है जो 1196 से एज इट इज़ चल रहा है। इस मसले को किसी ने हल करने की कोशिश नहीं की है और हमें एज इट इज़ ही रखा और हमें लाली पाफी देते रहे और टाइम किल करते रहे। अब हम गवर्नर साहब से रिक्वेस्ट करते हैं कि इस दौरान ही मसले को हल किया जाए ताकि हमारे रिटायरीज बूढ़े लोगों के साथ इंसाफ किया जाए। शिवसेना डोगरा फ्रंट ने सईद अली शाह गिलानी के शव को पाकिस्तानी झंडे में लपेटने और वहां पर देश विरोधी नारे लगाने वालों के कड़े शब्दों में निंदा की। इस मौके पर उन्होंने मांग की कि ऐसे राष्ट्र विरोधी तत्वों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। और नेता जो कश्मीर के हैं, जो मेंबर पार्लियामेंट हैं, जो नॉमिनेटेड मेंबर पार्लियामेंट हैं, वो चुप क्यों हैं? संविधान की सुगंध कहाँ गई? किधर गए उनकी जुबान? किधर गया तिरंगा? किधर गया हिंदुस्तान के विषय के अंदर की बातें? आज हुर्रियत कॉन्फ्रेंस को लेकर के सारी चुप्पी साध ली, अब उनका पर्दा फाश हो गया, लोगों ने जानकारी कर ली है, अब लोग उनको माफ करने वाले नहीं है। स्टेट टाइम न्यूज में आज बस इतना ही, कल फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।